कर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है, केजरीवाल जी को, सोरेन जी को, ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। और ये मैच फिक्सिंग सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं, ये मैच फिक्सिंग नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े अरबपति मिलकर कर रहे हैं। यह सच्चाई है। और यह मैच फिक्सिंग क्यों हो रही है भाइयों और बहनों, इसका सिर्फ एक लक्ष्य है कि हिंदुस्तान का संविधान, जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविष्य दिया, सपने देखने का हक दिया, उस संविधान को हिंदुस्तान के गरीब जनता से के हाथ से छीनने के लिए यह मैच फिक्सिंग की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन यह संविधान खत्म हो गया, उस दिन ये हिंदुस्तान नहीं बचेगा। इसको पुलिस से, धमकी से नहीं चलाया जा सकता है। ये जो संविधान है, हिंदुस्तान की जनता की आवाज है, हिंदुस्तान के दिल की धड़कन है। इसको जिस दिन खत्म कर दिया गया, उस दिन यहां पे हिंदुस्तान नहीं बचेगा। अलग अलग स्टेट हो जाएंगे, हिंदुस्तान नहीं बचेगा। यही इनका लक्ष्य है। ये सोचते हैं कि संविधान के बिना धमका कर, डरा कर, पुलिस, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चला के साथ देश चलाया जा सकता है। ये सोचते हैं मीडिया के बिना देश चलाया जा सकता है। आप मीडिया को खरीद सकते हो, आप मीडिया को दबा सकते हो, आप मीडिया के रिपोर्टर्स का मुंह बंद कर सकते हो, मगर आप हिंदुस्तान की आवाज को नहीं दबा सकते हो। इस आवाज को कोई नहीं दबा सकता। दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो इस आवाज को दबा सकती है। भाइयों और बहनों, बीजेपी के एमपी ने कहा कि जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे, मैच फिक्स करके 400 सीटें जीतेंगे, वैसे ही हम संविधान को बदल देंगे, संविधान को रद्द कर देंगे। ये ऐसे ही नहीं बोला गया, ये टेस्ट करने के लिए, आइडिया टेस्ट करने के लिए बीजेपी के एमपी ने बोला है। यह लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। जैसे अखिलेश जी ने कहा, संविधान चला जाएगा, गरीबों के हक चले जाएंगे, आरक्षण चला जाएगा, और जो आपका धन है, गरीबों का धन है, किसानों का धन है, मजदूरों का धन है, वो 5-6 लोगों के हाथ में चला जाएगा। नोटबंदी की, जीएसटी लागू किया, मुझे बताइए जीएसटी से, नोटबंदी से किस गरीब व्यक्ति को फायदा हुआ, किस छोटे दुकानदार को फायदा हुआ, किस किसान को फायदा हुआ, किस बेरोजगार युवा को फायदा हुआ? किसी को नहीं। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। 1% लोगों के पास हिंदुस्तान का पूरा धन। 22 लोग हैं, जितना धन उतने उनके हाथ में है, उतना ही धन 70 करोड़ लोगों के हाथ में है। ये संविधान को क्यों मिटाना चाहते हैं?
क्योंकि आपका धन जो है आपसे छीनना चाहते हैं। मैंने जाति जनगणना की बात की, किसानों के एमएसपी की बात की, युवाओं को रोजगार देने की बात की, यही देश के सामने सबसे बड़े मुद्दे हैं। मगर एक बात याद रखिए, अगर आप लोगों ने पूरे दम से वोट नहीं दिया तो इनकी मैच फिक्सिंग कामयाब हो जाएगी, यह आप भूलिए मत। और जिस दिन मैच फिक्सिंग कामयाब हो गई, उस दिन आपका संविधान, हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। जिस दिन संविधान खत्म हो गया, उस दिन हिंदुस्तान के दिल पर एक बहुत बड़ी चोट लगेगी। तो ये जो चुनाव है, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है, ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने का, संविधान को बचाने का, और जो गरीबों का हक है, किसानों का हक है, पिछड़े वर्गों का, दलितों का, आदिवासियों का, गरीब जनरल कास्ट के लोगों का हक है, उसको बचाने का हक, उसको बचाने का चुनाव है। यह बात आप याद रखिए, क्योंकि अगर यह चुनाव जहां मैच फिक्सिंग की जा रही है वो पूरे देश को दिख रहा है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, कल मैं से व्यक्ति मिलने आया, मुझे कहता है मैं ट्रेन से आया, मेरे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे थे, उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यह सच्चाई है। इलेक्शन कमीशन के लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने बैठाया, दो नेताओं को, दो चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाला। चुनाव से कुछ ही महीने पहले अगर डालना था तो 6 महीने बाद डाल देते, 6 महीने पहले डाल देते, नहीं, चुनाव से 2-3 महीने पहले दो चीफ मिनिस्टर को डालना था। आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किए, बैंक अकाउंट बंद करने थे 6 महीने पहले करते, 1 साल पहले करते, 6 महीने बाद करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए, और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए, आपने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग बैठाए, आप जुडिशरी पे दबाव डाल रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो, संविधान रद्द किया जाए और आप सत्ता में रहो। मगर भाइयों और बहनों, मैं सच बोलता हूं और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो, अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, ये देश नहीं बचेगा, ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है, ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो, मैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को स्टेज पे इनवाइट करूंगा।
जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इंडिया गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं का, सीनियर नेतागण का मैं बहुत तहदिल से धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के जेल में डालने के विरोध में यहां आके हमारा हौसला बढ़ाया। एक बार मैं तालियां चाहूंगा आपकी तरफ से भी। मैं कोई स्पीच नहीं देने वाला हूं, मैं बहुत जूनियर हूं, बहुत ही सीनियर लोग बैठे हैं, लेकिन इतना मैं कहूंगा कि लोकतंत्र खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। इनको ये लगता है कि ऐसे हम चला लेंगे, डंडे से चला लेंगे। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये आजादी हमें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराबा, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों योद्धाओं ने अपनी जवानी में गले में फांसी के रस्से लटका के ये आजादी हमें दी है। ये इनके किसी बाप दादे की जागीर नहीं है। क्या समझते हैं ये? इसको भी अंदर कर दो, इसको भी अंदर कर दो। जो अस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो, कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो, ऐसे जीत लोगे? हम वो पत्ते नहीं हैं, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। समझते क्या है ये? अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दो, हेमंत सोरेन को अंदर कर दो, इसके घर ईडी भेज दो, इसके घर इसकी एमपीशिप कैंसिल कर दो, इसका घर छीन लो। अरे मालिक तुम हो, इन घरों के मालिक तुम हो, इन घरों की मालिक 140 करोड़ जनता है। कोई पता नहीं किस घर में लोगों ने किसको पहुंचाना है, ये गलत फहमी में है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। आज सुनीता जी, आज कल्पना जी बैठे हैं, सोनिया जी बैठे हैं, मैं नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं कि इन्होंने इतने दुख झेले, इन्होंने क्या क्या नहीं देखा अपनी जिंदगी में, आंधियां तूफान झेले, लेकिन फिर भी इतने हौसले वाले बैठे हैं और आपके साथ है। आपका प्यार जो है सबसे बड़ी ऑक्सीजन, आपका प्यार है। ये तालियां किसी को ऐसे नहीं मिलती। किसी को दिहाड़ी देके मोदी मोदी करवाना बहुत इजी है। जब कोई दिल से बोलता है ना, वो बात असर रखती है। जब दिल से बोलता है, ये देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं जैसे राहुल जी कह रहे हैं, ये देश को नफरत की आंधी में लेके गए हुए हैं। ये सीएए लेके आए। मैं पार्लियामेंट में था, मैं एमपी था तब। मैंने कहा जी मुझे बोलने का मौका दीजिए, कहते नहीं जी। मैंने कहा जी 30 सेकंड, कहते जी। मैंने कहा जी 30 सेकंड, कहते 30 सेकंड में क्या बोलोगे? नहीं। मैंने कहा जी 20 सेकंड, कहते 20। मैंने कहा हाँ। स्पीकर साहब कहने लगे आपका समय शुरू होता है अब। तो मैंने 20 सेकंड में बोला, मैंने कहा लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन उसकी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? जो लाखों अरविंद केजरीवाल देश में पैदा हो चुके हैं, उनको किस जेल में कैद करोगे? अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है। इंडिया गठजोड़ इकट्ठे हैं, सब इकट्ठे हैं आज सभी के। मेरे ख्याल में कईयों का तो कैमरे भी कांपने लग गए होंगे, ये इकट्ठे कैसे बैठ गए? ये चाहते नहीं हम इकट्ठे बैठे, कभी ये इधर से कभी इधर से कोई, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं सबको
कि आओ इकट्ठे हो जाएं और इन भ्रष्टाचारियों को कह दो, भगवंत मान ने बोला था, इन भ्रष्टाचारियों को कह दो कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, कोई पैसा साथ नहीं जाएगा। लूट लो देश को, कितना लूटना है, गरीबों की बात दुआएं ना लो, गरीबों की बात दुआएं ना लो। हर बात पे झूठ चल रहा है, हर बात पे झुमला चल रहा है, झूठ पे झूठ, झुमले पे झुमला। अभी झुमले बनाने वाली फैक्ट्रियां चल रही हैं, अभी आने वाले दिनों में आपके पास नए नए झुमले आएंगे, यकीन मत करना। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, मैंने कहा जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही झुमला निकली मोदी जी, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है, मुझे लगता चाय भी नहीं बनानी आती होगी, जिस किस्म का झूठ चल रहा है। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके दो नारे लगा दीजिए, इनकलाब इनकलाब, भारत माता की, वंदे, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इनवाइट करूंगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कि वो अपनी बात आप लोगों के बीच में रखें। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आज देश के सबसे सीनियर नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने अपने बचपन से अब तक बहुत सारे 51 साल से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की, इन्होंने आपके सामने है। आज इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर हो रही लोकतंत्र बचाओ रैली में पधारे आप सभी साथियों का मैं दिल से स्वागत करता हूं, और ये मंच है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारे एकता में, हमारे विविधता में एकता है, ये दर्शाने के लिए आज ये जो मीटिंग यहां पर बुलाई है, और इसके लिए मैं हमारे सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। और खासकर ये जो मीटिंग है इसका एक ही उद्देश्य है कि विपक्ष इकट्ठा होना चाहिए, इसलिए इस सभा में उपस्थित हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, शरद पवार जी, भगवंत मान जी, चंपई सोरन जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, सीताराम येचुरी जी, फारूक अब्दुल्ला जी, डॉक्टर राजा डी राजा जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी, महबूबा मुफ्ती जी, डेरिक ओबराय जी, कल्पना सुरेन जी, तिरुचि शिवाजी, सुनीता केजरीवाल जी, देवराज जी, तिरुतोल जी और कोरम अनीस उमर जी, इतने पार्टी के नेतागण इस मंच पे बैठे हैं, और ये किस लिए बैठे हैं कि इस देश को बचाने के लिए, इस देश में एकता रखने के लिए, इस देश के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और इस देश के संविधान को बचाने के लिए ये लोग सारे इकट्ठे हो गए। मोदी तो डेमोक्रेसी नहीं चाहते, वो हमेशा तानाशाही के विचारधारा वाले हैं। मुझे परसों वो मिले थे, सॉरी कल मिले थे राष्ट्रपति भवन पे,
वहां पर शाह थे, नड्डा थे और मोदी जी भी थे और दूसरे नेता लोग भी थे। तो मुझे नड्डा जी ने पूछा कि आपका चुनाव प्रचार कब से हो रहा है और आपका लिस्ट कब फाइनल हो रहा है। तो मैंने यही कहा, हमारा लिस्ट तो फाइनल हो रहा है लेकिन हम जो चुनाव करना चाहते हैं वो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा और मेरे खाते में, मेरे पार्टी के खाते में जो पैसे थे वो पहले ही चोरी हो गए हैं और खास करके मुझ पे जो पेनल्टी लगाई है वो 3,567 करोड़ का, 3,567 करोड़ की पेनल्टी मुझ पे लगाई है। 14 लाख का हिसाब हमने नहीं दिया इसीलिए उन्होंने 135 करोड़ का जुर्म लगाया। ऐसा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट करके आज 3,667 रुपए कर दिया, ताकि जैसा राहुल जी ने कहा हम प्रचार न कर सके, कहीं भी जा नहीं सके, कहीं जाना नहीं, किसी को मिलना नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं को कोने कोने में भेजना नहीं। ये तरीका मोदी जी ने अपनाया है और डेमोक्रेसी को एक एक करके हमारे संस्थाओं को वो खराब कर रहे हैं, उसका ऐसा गैर इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो सीबीसी हो, चाहे वो सीबीआई हो, इन संस्थाओं का दुरुपयोग करके एक एक नेता को डरा रहे हैं, यहां तक कि पार्टी के लोगों को भी डरा रहे हैं और ये कह रहे हैं अगर आप कांग्रेस के साथ वो गठबंधन में जाएंगे तो आपको क्या जेल चाहिए, क्या आपको गठबंधन चाहिए। यह मैं दावे के साथ कहता हूं किन किन नेताओं को उन्होंने डराया, ऐसा ही डरा डरा के बहुत से एमपी खरीदा, एमएलए खरीदा और उन्होंने नए सरकारें बनाई। ये है मोदी की नीति और इस मोदी को जब तक आप नहीं हटाएंगे, मोदी के विचारधारा को जब तक आप नहीं हटाएंगे, इस देश में सुख और समृद्धि कभी नहीं आएगी। इसीलिए हमको लड़ना है डेमोक्रेसी बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए और संविधान को बचाने के लिए। संविधान है तो आपको रिजर्वेशन है, संविधान है तो आपको मूलभूत जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, वो मिलेंगे और संविधान नहीं है ये कुछ नहीं मिलेगा। आप याद कीजिए, मेरे माताओं से मैं निवेदन करता हूं, आप याद कीजिए अगर बीजेपी की सरकार इस देश में संविधान बनाती तो वो पहला काम करते महिलाओं को वोटिंग की पावर ही नहीं देते, क्योंकि उनके विचार वैसे हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मिलकर एडल्ट फ्रेंचाइज लाकर हर एक आदमी को वोटिंग का अधिकार दिया, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो नौकर हो, चाहे वो मालिक हो, चाहे कारखाने का बड़ा से बड़ा धनी हो, सबको अधिकार मिला। इससे पहले था क्या? आज बड़े बड़े बात करते हैं, इतनी टीका करते हैं हम पे, पूछो मत। अरे हमने तो देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा, खून बहाया,
देश को एकता रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी, राहुल गांधी जी अपना जान दिए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, और वैसा ही श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश को एकता रखने के लिए 32 गोलियां अपने छाती पे लगा ली। कौन लीडर ऐसा बताओ? यही बीजेपी वाले, यही आरएसएस वाले जनसंघ के नाम पे थे, तब क्या करते थे? तब ये सरकारी नौकरी में जाने के लिए लोगों को कहते थे, ये कहते थे क्विट इंडिया आंदोलन में भाग मत लो, गांधी जी की आइडिया अच्छी नहीं है, ये कहते थे, ये नौकरियों में रहते थे, ये व्यापार करते थे और देश के लिए कभी नहीं लड़े। मैं उसी लिए कई बार बोलता हूं, इनके घर का एक स्वान भी भोगता नहीं था ऐसी परिस्थिति, लेकिन हमारे लोग सूली पे चढ़े, हमारे लोग लड़े, तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने के तरफ हमारा ध्यान है, और इसीलिए हमको ये जरूर होगा कि हम सबका विकास चाहते हैं, चंद अमीर मित्रों का विकास मोदी चाहते हैं। आप डेमोक्रेसी चाहते हैं या तानाशाही, आपको तय करना होता। आप डेमोक्रेसी चाहते हैं ना? अरे लोकतंत्र चाहते हैं या नहीं? जो लोकतंत्र चाहते हैं वो हाथ उठाइए दोनों, और जो तानाशाही का समर्थन करते हैं उनको इस देश से निकाल के फेंकना पड़ेगा। ये लोग आज, ये तो देखिए, ये बीजेपी खास करके ये एक पॉइजन के जैसा है, आरएसएस ये पॉइजन के जैसा है। अगर आप चाहते हैं, चलो भाई इसको भी हम देख लेंगे थोड़ा चाट के, क्या बोलते हैं आपके इसमें मुझे मालूम नहीं, चाट के, तो चाट के अगर विष को देखेंगे तो भी मरेंगे, विष पियेंगे तो भी मरेंगे, तो वैसा चाट के एक बार देखने के लिए मत जाओ, और एक बार देखे हैं तो मोदी देश को खराब करता है। युवाओं को कोई नौकरी नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, इसीलिए मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, और इसमें तो मशहूर हमारे जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर गए शायद यहां से, ये वक्त वक्त नहीं, ये वक्त वक्त नहीं एक मुकदमा है, ये वक्त वक्त नहीं एक मुकदमा है, या तो गवाही दो या गूंगे हो जाओ, या गवाही दे दो या गूंगे हो जाओ हमेशा हमेशा के लिए, ये उनका कहना है, या हमारे पास आओ गवाही दो या नहीं तो गूंगे हो जाओ। इसीलिए आज केजरीवाल जी को, आज हेमंत सोरेन जी को अंदर डाल दिए। क्या ऐसा गुनाह था भाई? अब बाद में भी कर सकते थे, उनको बुला के पूछताछ करने के बाद में सजा देते। इलेक्शन के वक्त नोटिफिकेशन हो रहा है, आप उनके ऊपर केस करके अंदर डालते हो, और हेमंत को भी उसी वक्त उसके ऊपर, उनका यही कसूर था कि वो गठबंधन के साथ चलना चाहते थे, उनको बुलाया गया, पूछा गया, तब उन्होंने कहा मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा, गठबंधन के साथ रहूंगा, मैं आप कितना भी मेरे ऊपर प्रेशर करो मैं झुकने वाला नहीं है, ये हेमंत ने कहा था। तो इसलिए मोदी जी ने केस बनाया और उनको अंदर डाला। क्या यह लेवल प्लेइंग ग्राउंड है? क्या यह मैदान है? जैसा मैं राहुल जी का क्रिकेट का जिक्र किए थे,
साहब क्रिकेट को सब लोग ठीक ठाक मैदान बनाते हैं और पिच भी अच्छा करते हैं तब लोग खेल पाते हैं। यहां तो मोदी सब तरफ खड्डा खोद के हमको क्रिकेट खेलो बोल रहा है, लेवल प्लेइंग ग्राउंड ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को इस बार हराना चाहिए, जब तक इनको हराएंगे नहीं तब तक शांति से नहीं बैठना चाहिए। और ये इसलिए जरूरी है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, या सिर्फ आज केजरीवाल जी के लिए नहीं है, या हेमंत के लिए नहीं है, ये 140 करोड़ जनता की रक्षा के लिए हम कर रहे हैं। और ये जरूरी है, गरीब को, किसान को, मजदूर को, छोटे मोटे व्यापारियों को, इनकी रक्षा करने के लिए हम ये कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी को बचाओ। ये 224 की चुनाव होगी युवाओं के रोजगार के लिए, ये चुनाव होगी बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर, ये चुनाव होगी किसानों के MSP गारंटी पर, ये चुनाव होगी लोगों की हिस्सेदारी, जो राहुल जी ने बीड़ा उठाया है कि जाति जनगणना होना चाहिए और जिसकी जनसंख्या है उसको उसको न्याय मिलना चाहिए, जिसकी जनसंख्या भारी है उसको न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए वो जो आवाज उठाए इसकी भी लड़ाई है और भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई है। और चुनाव देश के संविधान और डेमोक्रेसी को बचाने की है। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप सभी एक हो जाओ, मिलकर चलेंगे। इसीलिए पंजाब के हमारे चीफ मिनिस्टर से भी यही वायदा मैं अपेक्षा करता हूं, जब एक होकर हम लड़ेंगे तभी हम कुछ हासिल करेंगे, नहीं तो एक दूसरे को कुचलते रहेंगे, आप कभी आगे नहीं आएंगे। मैं आपसे विनती, पहले हम एक होने का सीखो, एक दूसरे को तोड़ने का मत सोचो, ये हमारा उसूल होना चाहिए, तभी हम कुछ काम कर सकते हैं। और मुझे खुशी है आज हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, चाहे हमारे कुछ भी मतभेद हो। हम येचुरी साहब, डी राजा केरल में लड़ते हैं, लेकिन यहां इस बड़े कॉज के लिए, इसके लिए हम एक होकर एक मंच पे हम आते हैं। उसी ढंग से हम आप आदमी से हम यहां पर लड़ते हैं, पंजाब में लड़ते हैं, तो देश के एकता के लिए, अखंडता के लिए एक मंच पे है। तो ये जो बना, ये इंडिया गठबंधन जो बना, देश के रक्षा के लिए, लोगों के रक्षा के लिए और आपके हिफाजत के लिए बना, या किसी व्यक्ति के बारे में नहीं। अगर वो व्यक्ति संविधान बचा, हर व्यक्ति बचेगा, और जो अच्छा काम करता है वो जरूर बचेगा। तो इसीलिए भाइयों, मैं ज्यादा कुछ बातें नहीं कहते हुए इतना ही कहूंगा, हम लड़ेंगे और बीजेपी को ये बताएंगे, भाई तुम्हारा ज्यादा हुआ, बस करो, लोग अंडर करंट है, आप ये मत सोचो। 400 पार की जो बात करते हैं, ये 400 होने वाला नहीं है, चुप लोगों को डराना धमकाने की बात करते हैं। अरे हमारे पास वो हिम्मत है, हमने कई लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस ने कई लड़ाई लड़ी है, बीजेपी के लोग तो एक बार दो सीट आए थे उनके, दो ही सीट, आपको मालूम होगा, दिल्ली वाले आप बेहतर जानते हैं। तो ये दो सीट लिए सो लोग बार बार दूसरों को गालियां देते हैं। तो इसीलिए आपसे मैं यही कहूंगा कि आखिरी में एक बात कह के मैं अपने बात को खत्म करूंगा, तो वो ये है कि
इंडिया गठबंधन के लिए जो मुश्किलें हैं उन मुश्किलों को हम सब मिलके दूर करेंगे। और मोदी का क्या है, कोर्ट भी उसके पास है, पुलिस भी उसके पास है, सभी कुछ उसके पास है। और इसीलिए मैं एक शायर ने लिखा है, अपील भी तुम हो दलील भी तुम, अपील भी तुम दलील भी तुम, गवाह भी तुम वकील भी तुम, गवाह भी तुम वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। सब उनका, वकील उनका, कोर्ट उनका, पुलिस उनकी, सब कुछ उनकी। तो ऐसे में डेमोक्रेसी को टिकाना आप में जोश आना चाहिए और जोश के साथ हम लड़ते रहेंगे। मैं करूंगा, मैं कहूंगा जय हिंद जय हिंद। क्या यारो उधर के पीछे के लोग बोल रहे हैं, आपको नहीं होना जय हिंद, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। सबको धन्यवाद, नमस्कार। साथियों, अब मैं स्वागत करूंगा और निवेदन करूंगा झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सुरेन जी से कि वो अपनी बात रखें। मैं माफी भी मांगना चाहता हूं, उनको बहुत देर हमने इंतजार किया। चंपई सुरेन जी बोलेंगे और उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा जी एक स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ेंगी और उसके बाद राष्ट्रगान होगा, तो आप सब लोग रुकिएगा। लोकतंत्र बचाओ। बचाओ इस सभा में रामलीला मैदान दिल्ली में मंच में हमारा इंडिया गठबंधन के सभी सीनियर नेतागण, आज जो भी उपस्थित हमारा भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, सबसे पहले हमारे ओर से जोहार। आज हम बड़ा कम शब्दों में आप लोगों को कहेंगे, हम झारखंड प्रदेश, हम ईडीआई सीबीआई आईटी से हम लोग संघर्ष करके आ रहे हैं। हमारा युवा सम्राट हेमंत सोरेन जो कभी झुका नहीं है ना झुकेगा, देश के अंदर एक ऐसा संदेश देने का काम करेंगे जो लोकतंत्र किस तरह से बचेगा, ये सरकार झारखंड से बिगुल बजा के हम लोग दिखाएंगे कि आज इस लोकतंत्र में एक केंद्रीय एजेंसी, एक पूरा देश में हुकुम, ये किस तरह का विडंबना है एक लोकतंत्र में। यही बोलने के लिए हम आए हैं कि आज कभी हेमंत बाबू ने कभी आज जिस नाम से उसको गिरफ्तार किया गया, जिस जमीन का नाम पर, ना उसका नाम है ना किताब में नाम है, लेकिन जो वहां का आदिवासी, वहां का दलित, वहां का पिछड़ा